राजेश भाई देसाई जो काफी दिनों से यहाँ मेहनत करके ये जो सूरत में ये जो शो गुजरात आर्ट सोसाइटी का कैसे अरेंज हो, कैसे लास्ट पर्सन तक पहुँचे, उसका सतत मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ जो गुजरात की हमारी जो गुजरात आर्ट सोसाइटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चंद्रकांत भाई प्रजापति, नटू भाई टंडेल, अजीत भाई खंडेरी और भी दीपक भाई है और काफ़ी लोग यहाँ है जिसका मैं एक समय पे नाम नहीं ले सकता हूँ, तो ये सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजरात आर्ट सोसाइटी 1 अगस्त यानी श्री रविशंकर रावत का जन्मदिन उसी दिन इसकी ये स्थापना की है। मूल हेतु ये है कि गुजरात में जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है लास्ट कोने में किधर भी वो भी इसके साथ जुड़े, जो सही कला है, वैसे तो 64 कला है सर, इसमें ललित कला और क्रिएटिव लोग जो लास्ट कोने में कई गांव में है उसको उस एक ग्रुप की जरूरत है, लेकिन अकेला व्यक्ति वहां कुछ नहीं कर सकता है, तो गुजरात आर्ट सोसाइटी के साथ जुड़े। गुजरात आर्ट सोसाइटी सिर्फ गुजरात के आर्टिस्ट के लिए नहीं, लेकिन दुनिया भर में जितने भी गुजराती आर्टिस्ट है वो भी इसके साथ जुड़े और इसी एक ध्येय के साथ हमारा ये प्रथम प्रदर्शन जो हम राजतिलक करने जा रहे हैं, जिसका राजतिलक मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में होगा, इसका प्रीव्यू के रूप में यहाँ हमने पहला शो सूरत में किया है और इसके बाद एक और भी हमें ऑफर मिले हैं कोलाबा गैलरी में। जहांगीर आर्ट गैलरी का शो खत्म करके हम कोलाबा में वर्ली में एक हमारा शो एक ही ग्रुप को लेके हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी कलाकार है, जो भी सज्जन है, वो हमारे साथ जुड़े। हम कोई भी इसमें एक बाउंड्री नहीं रखने वाले, लेकिन जो सज्जन क्रिएटिव होना चाहिए वो हमारे साथ कभी भी जुड़ सके। धन्यवाद, आप लोग इधर आए। Thank you.